Hello plus one class, I hope you all are fine beta. In our previous video we had finished our third chapter, that is an empire across three continents. We had discussed a lot of things regarding Roman Empire. We had discussed about Sasanians, Parthians, etc. and etc. And at last we had discussed about something about Islamic religion. Today we are going to start our next chapter, that is Rise of Islam. Chapter number 4, according to your book, that is Central Islamic Lands, or we can say it Rise of Islam. आई होप आपने अपना प्रीवियस चैप्टर्स के जो नोट्स हैं वो साथ साथ कंप्लीट कर लिए होंगे, ताकि जो आपका वर्क है वो पेंडेंसी में ना रहे और न्यू चैप्टर आप साथ साथ ही करते रहें. एंड इसमें हम जो बात करेंगे वो इस्लाम धर्म की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे और उसके एक्सपेंशन की बात करेंगे कि वो फैला कैसे था. हमने कल लेट एंटीक्विटी के टॉपिक में भी पढ़ा था कि जो राइज हुआ था इस्लाम का वो वहाँ अरेबिया में होने लग गया था. इसी से रिलेटेड हम सारी अपनी बातें करेंगे. तो इस्लाम जो रिलीजन था ना, हम उसे मुस्लिम रिलीजन भी कहते हैं. आपको पता ही होगा, अगर आपने सनी देओल की गदर मूवी देखी हो तो उसमें ये मेंशन भी किया जाता है. जो अमरीश पुरी होता है वो सनी देओल को सरदार से क्या बनाता है, मुसलमान बनाता है, बिकॉज ऑफ हिज लव. तो जो अमरीश पुरी होता है वो सनी देओल को ये कहता है कि कुछ बातें हैं तुम्हें जो कबूल करनी पड़ेंगी, जिसमें वो कहता है कि बोलो कि तुम्हें इस्लाम कबूल है. यानी जो मुस्लिम धर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, इस्लाम धर्म कहते हैं. तो इन बातों से आपको याद रह जाएगा कि जो इस्लाम धर्म होता है वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है, मुस्लिम रिलीजन इसे कहा जाता है. इस्लाम धर्म का जो राइज होने लगा था दैट इज़ फ्रॉम 612 BCE से ये स्टार्ट होना लग गया था. ये हुआ कैसे था, कहते हैं कि आज के टाइम में जो इस्लाम धर्म है ना वो मोर देन वन बिलियन लोगों में ये जो इस्लाम धर्म है वो फैला हुआ है. और ये नहीं कि इन सारे इस्लामिक धर्म के जो लोग हैं उनका जो पहनावा है, यानी उनका जो ड्रेसिंग कल्चर है, उनका डिफरेंट ड्रेसिंग कल्चर है, डिफरेंट उनका ट्रेडिशन है, डिफरेंट ही उनका वे ऑफ टॉकिंग है, टॉकिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इस्लामिक पीपल है, ज़रूरी नहीं कि वो दिखने में, उनके रहन सहन, उनका जो पहनावा है, उनका जो बोलने का तरीका है वो सेम हो, वो डिफरेंट भी है. कैसे, कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आया था कि बहुत बड़ी अमाउंट में जो, यानी नंबर ऑफ पीपल जो थे ना वो एक जगह पे क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था. क्या किया था, अपनाया था. और फिर ये धीरे धीरे जो लोग थे ना वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाकर सेटल डाउन होने लग गए. क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाकर सेटल डाउन होने लग गए. और उसी एरिया के अकॉर्डिंग, उसी कंट्री के अकॉर्डिंग ही उनका क्या हो गया, ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, वे ऑफ टॉकिंग हो गया, वे ऑफ वॉकिंग हो गया, रहने सहने का कल्चर अलग हो गया. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो इस्लामिक धर्म के लोग हैं वो रहने तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रहे अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल, लेकिन उनका धर्म क्या रह गया, इस्लामिक धर्म. तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ में इस्लाम धर्म की एक्सपेंशन हुई, चाहे वो आपस में उन कंट्रीज़ का कोई लिंक ना हो, लेकिन इस्लाम धर्म जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या है, एक्सपेंडेड है. जैसे हम इंडिया की बात करें, आपको पता ही है पाकिस्तान में तो इस्लाम धर्म कंपल्सरी है, लेकिन इंडिया में भी बहुत से मुस्लिम्स हैं
कोई ना कोई एक आधा आपके नॉन में भी होगा, या आपका क्लासमेट होगा, या कोई आपका नेबर होगा, तो काफ़ी सारे मुस्लिम्स हैं और उनके पास कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म है। तो इस तरह से डिफरेंट रीजंस में इस्लाम धर्म जो है वो एक्सपेंडेड है। लेकिन जो इंडिया में, अब मान लो कोई मुस्लिम है तो उनका जो कल्चर होगा वो इंडिया के अकॉर्डिंग होगा, उनका जो मन होगा वो इंडियन होगा, उनका जो पहनावा होगा वो अकॉर्ड, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान लोगों के जैसा ही होगा, वो अपने तरीके से भी रह सकते हैं, लेकिन उनका जो रिलीजन है वो क्या रहेगा? इस्लामिक रिलीजन रहेगा। तो इस तरह से जो इस्लाम धर्म था वो फैलने लगा था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इतना टॉपिक। अब हमने कोई भी टॉपिक किया है तो सबसे पहले हमने उसका प्रूफ देखा है, यानी सबसे पहले हमने उसके सोर्सेज देखे हैं कि किन सोर्सेज से हमें पता चला था कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो दुनिया में या हमारे लैंड पे या हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। तो इस्लाम धर्म का कैसे राइज हुआ, इसका भी हमें कोई ना कोई प्रूफ मिला होगा। कुछ सोर्सेज से हमें पता चला कि इस्लाम धर्म नाम की भी कोई चीज़ हुआ करती है। तो उसके जो हम सोर्सेज हैं सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। एनुअली हर कंट्री में, हर सिविलाइजेशन में कुछ एनुअली रिपोर्ट बनती थी, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था एनल्स के नाम से। तो कुछ एनल्स, या हम जिसको जर्नल्स भी कह सकते हैं, क्रॉनिकल्स भी कह सकते हैं, आपकी बुक में ये जो वर्ड दिया हुआ है क्रॉनिकल्स दिया हुआ है, और इसको मुस्लिम लैंग्वेज में कहेंगे त्वारिक। तो इन त्वारिक से हमें क्या पता चला था, इस सोर्स से हमें पता चला था कि इस्लाम धर्म भी राइज हुआ था। यानी एक एनुअल रिपोर्ट थी, एनुअली रिपोर्ट वहाँ पर पब्लिश हुआ करती थी, जिनसे हमें इस्लाम धर्म के बारे में पता चला था। तो जो फर्स्ट सोर्स होगा हमारे पास, दैट इज एनल्स, जर्नल्स, क्रॉनिकल्स एंड त्वारिक। एंड द नेक्स्ट वन इज बायोग्राफीज। कुछ लोगों की बायोग्राफीज थी उनका, आप कह सकते हैं अगर आपने हिंदी 10th में पढ़ी हो तो जीवनी। तो बायोग्राफीज से हमें पता चला था कि इस्लामिक रिलीजन के पीपल भी हुआ करते थे, यानी इस्लामिक पीपल भी हुआ करते थे या हुआ करते हैं। तो बायोग्राफी से भी हमें बहुत बड़ा प्रूफ मिला कि इस्लाम धर्म की एग्जिस्टेंस इस लैंड में, इस वर्ल्ड में है। देन हमारे पास आ जाता है रिकॉर्ड ऑफ सेइंग्स एंड डूइंग्स बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट जो थे उनकी कही हुई बातें और उनकी करी हुई बातें एक रिकॉर्ड में रखी गई थी, जिसको हदीथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो प्रॉफिट जो थे वो इस्लाम धर्म के काफ़ी चीफ माने जाते थे। तो हदीथ से ही हमें पता चला कि इस्लामिक धर्म जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट करता था। तो हदीथ भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसने इस्लाम धर्म का प्रूफ दिया था। एंड नेक्स्ट वन इज अ रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक आपको पता ही होगा, मुस्लिम की जो रिलीजियस बुक है वो कौन सी होती है? कुरान। कौन सी होती है? कुरान। जैसे सिख की हो गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, हिंदुओं की हो गई श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत। तो ऐसे ही मुस्लिम लोगों की भी क्या थी? रिलीजियस बुक थी, दैट इज कुरान। एंड कुरान को क्या कहा जाता है? तफसीर भी कहा जाता है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसे स्किप ना करें, अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते जाएं। कुरान एंड तफसीर, दैट इज TAFSIR, तफसीर। और हमें प्रूफ मिला इस्लामिक धर्म का, दैट इज न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर भी, यानी कुछ खबरें वगैरह वहाँ पर पब्लिश हुआ करते थे, उनसे भी हमें ये पता चला था कि इस्लाम धर्म की एग्जिस्टेंस थी उस टाइम पीरियड में, और अब भी है। लेकिन जिस टाइम पीरियड में इसका राइज हुआ था, उस टाइम पीरियड में न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करते थे, जिससे पता चला कि कैसे इस्लाम धर्म की एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई। और ऐसे ही न्यूज़पेपर के साथ साथ हम एक वर्ड और ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ऐसे हुआ करते थे जिससे इस्लाम धर्म के बारे में पता चला। करेंसी, करेंसी ने भी बताया, कॉइन्स वगैरह हो गए, या जिसको हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, उससे भी हमें पता चला कि इस्लाम धर्म एग्जिस्ट करने लगा था। एंड द लास्ट वन इज मेन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ऐसे सोर्सेज होते हैं, जैसे मान लो कोई हार्ड सोर्स हो गया, हार्ड मेटल हो गई, उसके ऊपर क्या करते कर दिया जाता है? खोद कर कुछ लिख दिया जाता है, दैट इज इंस्क्रिप्शन। वो स्टोन पे भी हो सकता है,
मेटल पे भी हो सकता है, क्ले पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी बातों पे खोद के जो लिखा जाता है उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन का जो हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल कहूँ तो वो ये है कि जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं मेनली, जो बाउल्स, कटोरी जिसको हम कहते हैं, प्लेट्स हो गई, स्टील वाली, स्टील की जो प्लेट्स हो गई या पित्तल की जो बर्तन हो गए, उनके ऊपर पहले क्या किया करते थे हमारे दादी और जो थे यहाँ पर दादी वगैरह थे, अब तो ये काम बहुत कम हो गया लेकिन पहले बहुत हुआ करता था। उन बर्तन पे एक मशीन से नेम लिखवाया जाता था घर में किसी मेंबर का। तो वो जो है एक रियल एग्जांपल है हमारे लिए इंस्क्रिप्शन का, यानी किसी मेटल के ऊपर इंस्क्राइब किया गया और उससे हमें कुछ पता चल जाता है। इससे हमें क्या पता चला कि ये बर्तन हमारे घर से बिलोंग करता है, तो वो भी एक क्या हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया। ऐसे ही हमें हिस्ट्री से भी, यानी आर्कियोलॉजिस्ट को बरिड आइटम में इंस्क्रिप्शन मिले, कुछ ऐसी हार्ड सरफेस की चीज़ें मिली जिसके ऊपर कुछ खुद खोद कर लिखा गया था, उनसे भी हमें पता चला कि वर्ल्ड के अंदर इस्लाम धर्म का एग्जिस्टेंस हुआ था। तो ये कुछ सोर्सेज थे जिससे हमें पता चला कि इस्लामिक धर्म की एग्जिस्टेंस हुई थी, जैसे एनल्स, जर्नल्स एंड क्रॉनिकल्स, ये एनुअली हुआ करते थे या मंथली हुआ करते थे या वीकली, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है। एनल्स जो होते हैं वो हमारे हो गए एनुअली। बायोग्राफीज कुछ लोगों के बारे में लिखा गया था, उससे भी हमें पता चला कि इस्लामिक पीपल यानी इस्लाम धर्म एग्जिस्ट करना शुरू हो गया था। कुछ प्रॉफिट की जो सेइंग्स और डूइंग्स थी उन बातों से, जिसे हदीथ कहा जाता है, उनसे भी हमें पता चला इस्लामिक धर्म के बारे में। रिलीजियस बुक यानी कुरान, जिसे हम तफसीर के नाम से भी जानते हैं, उससे भी पता चला इस्लाम धर्म के बारे में। उस टाइम के न्यूज़पेपर वगैरह, खबर वगैरह से भी हमें पता चला इस्लाम धर्म के बारे में। कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो गई, करेंसी हो गई, एंड लास्ट वन इज़ इंस्क्रिप्शन। तो ये कुछ सोर्सेज थे जिनसे हमें ये पता चला कि इस्लाम धर्म राइज हुआ था, यानी इस्लाम धर्म की एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड के अंदर है। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके चैप्टर का, जिसमें हमने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ सीखा एंड सोर्सेज जाने कि जो इस्लाम धर्म है उसका कैसे राइज हुआ, ये हमें कैसे पता चलता है। तो टुडे इज़ सफिशेंट एंड टुमोरो वी विल स्टार्ट आर चैप्टर टॉपिक वाइज। इफ यू हैव एनी डाउट इन योर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट आर चैप्टर टुमोरो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक प्लीज़ डोंट फर्गेट टू प्रे बच्चे एंड सी यू सो। बाय बाय, थैंक यू।